प्यारे बच्चों, आज पढ़ा सबक गांधी जी पोर अड़हन सबक वह पो अड़हन बे क्लास फोर्थ कैन बच्चन हम खतर चीज टापिक। ठीक है बच्चों, गांधी जी ने सादा जिंदगी बसर की दपान गांधी जी कर्म सादा जिंदगी बसर। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फिरकी परस्त के नासूर के खिलाफ थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उनकी खास तैलीम थी। दबा गांधी जी हसा ओस क्या सादा जिंदगी बसर करा पसंद करा करें। बे हसा ओस असल लीडर, बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। तेमस ओस ना ये फिरकी पसंद ओस खिलाफ, फिरकी पसंद इस फिरकी पसंद आसे सो अत खिलाफ, मतलब कि सो दपा हिंदू मुस्लिम तुम पानी क्या बारे सो भेदभाव करा कि तेमस ओस ना ये तंग नजरिया कि ये हिंदू हुच मुस्लिम हुच सिख हुच ईसाई। सो दपा तुम पानी बारे इमन पज पानी क्या मिलजुलित रोजन। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। तेम हसा थो पानी दोन मोहब्बत सान बिहू, मोहब्बत करियो पानी बे बिहू असल पट भाईचारा थोयो पानी कायम। गांधी जी रंग नस्ल जात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। दपा गांधी जी हसा ओस तेमस ओस ना पसंद कि ये भेदभाव ये जात पात करें भेदभाव करुन, सो ओस अत वारिया मुखालिफ, तेमस ओस ना ये चीज पसंद कि सो दपा सारी से हि सारी से बराबर, ना कह बोड ना कह लकुट ना कह नीच ना कह क्या ऊँच नीच तो तेज फर्क कह सह दपा सारी से बराबर। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। तम सुन वन कि अगर गांव आ खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारी पर जोर दिया। तम कर काम तम हसा दू तेली क्या तम तुम बनो गामन मंजन घरेलू चीज अत सत बनो स चीज पनो अत बनो तुम चीज तम कर तथ दू तम जोर। चरखे को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। चरखस दू तम वारिया बढ़ाव। वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। सो हसा उस पंद चरखस पर सूत काटा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। दपा 30 जनवरी 1948 ईस्वी मे नथुराम गोडसे गोल तमें वक्त ये वक्त सो इबादत करने की तैयारी उस करा। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। इसी तरह गो सोन मुल्क इथिस असल नफरस निश इस रहनुमा महरम महरूम नफर उस गो सोन मुल्क हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। तो प्यारे बच्चों, यो सोन टॉपिक गांधी जी, तो पगह करो ऐसे सवाल जवाब तो असल पर बाय।